हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप मुझे भूल तो नहीं गए हो। मैं हूँ रवीना ठाकुर, और आज की जो वीडियो है वो कुछ थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो वॉल, एक जो वो होता है कवर होता है, वो किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ध्यान से देखिए, जिस जिस तरीके से मैं बताऊंगी आप उन चीज़ों को फॉलो करें, और आपका जो वॉल स्टिकर है वो बहुत अच्छे से लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मंगाया है मैंने रोल, ये मंगाया है मैंने मीशो से। मैंने 4 रोल्स मंगवाए हैं, अलग अलग कलर्स के और अलग अलग शेड्स के। तो एक ही बताऊंगी मैं आपको लगा के, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि आपको कैसे लगाना है। ये 2 रोल्स पूरी वॉल के लिए है, 2 रोल मंगवाए हैं। मैं कब से चाह रही थी कि ये वाला रोल मैं मंगवाऊँ। और कुछ ये टूल्स चाहिए आपको, कैंची और एक मार्कर। मार्कर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट चलो कोई नहीं, आप रख लेना। ये आपको बिल्कुल क्लीन वॉल चाहिए, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है तो आप झाड़ू से मेरी तरह कर सकते हो या पोचे से कर सकते हो। उसके बाद आपको एक जॉइंट निकालना है इसका, जैसे ये डबल होती है। तो मैं भैया को बता रही थी कि ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, बट भैया ने नहीं सुनी। भैया बोलते कि ऐसे टेढ़ा करके लगाते हैं, और सच में ऐसे बहुत ईजी रहा हमें। तो हमने सिंपल सा वो इसका जो जैसे डबल था ये चिपका होता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा वो है शीट है वो निकालते हैं, और जो चिपकाने वाली साइड है उधर से हम बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस करके लगा रहे हैं। और आपको एक कपड़ा लेना है साथ में, जिससे बबल्स ना बने इसके बीच में, नहीं तो बबल्स बन जाते हैं, हवा घुस जाती है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ये चिपकता है, और ये मैंने मंगवाया है मीशो से। और थैंक यू सो मच मीशो, मैंने मीशो से बहुत कुछ मंगवाया है, और जल्दी ही आपके पास, मतलब मैं जल्दी ही लेके आऊँगी मीशो हॉल। और मैंने सिर्फ डेकोरेशन की चीज़ें मंगवाई है इस बार, और इसको कट कर देंगे जितना आपको चाहिए। और बहुत इजी है, और जब आप लगाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। बस ये है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और ये कुछ ऐसा वॉल पेपर है, वॉल स्टिकर है, कि आपकी इसमें जो अगर लाइंस भी पड़ जाए ना, हमारी भी पड़ी हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी बीच में एक आधी पड़ गई थी गैप में, तो वो नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा वो मुझे ये वॉल पेपर लगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर मुझसे डाला, अगर मैं चाहता होगा मैं ट्राई करूंगी। और बस इसी तरीके से ये देखिए भैया निकाल रहा है, और ऐसे ही हम पूरी वॉल पे लगाते जाएंगे। ये देखिए कितना इजी है, अगर एक बार लग गया तो बहुत इजी तरीके से लग जाता है। आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, अगर आपको लंबाई में लगाना है तो लंबाई में भी लगा सकते हो। और मेरा भाई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट का काफ़ी नॉलेज है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा कलाकार कोई हो नहीं सकता है, तो बड़ी मुश्किल से मनाया। बड़े भाई नहीं मानते हैं कुछ भी काम करवाना हो तो बहुत मुश्किल से उन्हें मनाना पड़ता है। तो जब मैं पूरी वॉल पे लगाऊंगी तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा था। भैया ने ये बहुत अच्छे से प्रेस किया इसको, और इसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए, मैं आपको बता दूं। और ये इतने अच्छे से बिल्कुल वो सेट हुआ है वॉल पे, ये देखिए भैया कितने प्यार से घिस रहा है। आपको भी ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से जो बबल्स होंगे उनको बिठाना है कपड़ा लेके, हाथ से नहीं होने वाला, आपको कपड़ा चाहिए ही चाहिए होगा, साफ़ सुथरा कपड़ा, जिससे बहुत आपका परफेक्ट ये ब्लेंड हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम पूरी वॉल पे लगा लेते हैं, उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा था। आप एक्साइटेड हो देखने के लिए? देखिए पूरी रोल, ये जो वॉल है इसमें लगे हैं 2 रोल्स, और ये फाइनल टच भैया दे रहा है। और अब मेरी वॉल बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है। रूम वाली फीलिंग नहीं आ रही है, गांव वाली फीलिंग आ रही है। बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो
ये थी वीडियो, इतनी सी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी करें। जिनको हेल्प चाहिए होती है वॉल स्टिकर लगाने में कि किस तरीके से लगाना है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है बट मुश्किल भी होता है, थोड़ा एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपकी कुछ हेल्प की होगी मेरी वीडियो ने। तो चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।